यमुनानगर के डीपीएस स्कूल की छात्राओं ने बाजी मारी है। पंजाब के बरवाला में हुए राष्ट्रीय स्तर के 42वें थिएटर फेस्टिवल में कोरियोग्राफी और डांस में पहले स्थान पर कब्जा कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। भारतवर्ष से आई हुई कई टीमों ने इस कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन डीपीएस की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाते हुए इसमें बाजी मारी। मुझे पिछले साल बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला था, इस साल भी मुझे बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। साथ ही मेरे को बेस्ट आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला है एंड मेरी फ्रेंड अर्शिया गोयल को बेस्ट अमंग द टीम का अवार्ड मिला है। साथ ही मेरी मैम मिस मोनिका बलजोत्रा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तब से मैं डांस कर रही हूँ एंड इस अब मैं मेरे को 8 साल हो गए हैं मैं मोनिका मैम के पास से डांस सीख रही हूँ। मैम उमा मैम ने मुझे सिखाया, इनकरेज करते हैं मम्मा पापा, इवन दादी वो भी बहुत इनकरेज करते हैं। तो बिजनेस वुमन का सोचा है। थिएटर का कंपटीशन होता है, 42 ईयर्स से हो रहा है बरनाला में और इसमें हमने फर्स्ट प्राइज जीता है इस बार कोरियोग्राफी और ग्रुप डांस में। तो कौन सा बिहू डांस था और एक हमारा लड़कियों के किस तरह से एट्रोसिटीज हुई हैं उस पर कोरियोग्राफी थी। जो मैंने डांस सीखा है मोनिका मैम और प्रतपाल सर से। तो मेरा सर हर कोई एंकरेज करता है इसलिए करती हूँ। फैमिली कर बहुत एंकरेज करती हूँ। बरनाला में हुआ था और इनका तो हर साल जाते हैं, बच्चे के जोश से प्रैक्टिस पहले से शुरू से ही ये जीतना है ऐसा सोच के ही करते हैं बच्चे। इसमें हमारा टीचर का हाथ बहुत है क्योंकि हमारा कथक का एक्सपर्ट है और ड्रामा में हमारा एक्सपर्ट है मिस्टर प्रतपाल। सो उनका इंटरेस्ट है हर बच्चे को उसमें, इनका टैलेंट हिडन टैलेंट है उसमें, उसमें से लेके आए और दुनिया को दिखाएं इन बच्चे को ये टैलेंट है, इनका लाइन है से, इसलिए उसमें ब्रशअप करके आगे लाइफ में भी सेटल होने के लिए अपना अपना पसंद के काम करते हैं। तो उसमें जितना खुश होंगे बच्चे वो प्लेटफॉर्म हम देते हैं स्कूल में। ये एक नमूना है डांस और ड्रामा में, इनका मेहनत उबल के बाहर आए हैं वैसे। सो आई एम हमारा मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा टीचर और बच्चे और पेरेंट को, तो बहुत बहुत उनका सपोर्ट, उनका सपोर्ट बिना उनके सपोर्ट को तो हम कुछ हासिल तो नहीं कर पाएंगे। मगर हर समय में इवन दो 10th में है, बोर्ड एग्ज़ाम में है, 12th में भी है बच्चे, फिर भी उनका मेहनत और उनका लगन से इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए हैं, दिन रात इकट्ठे प्रैक्टिस किए हैं, उसका सफलता उनके हाथ में है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरी पार्टिसिपेंट एंड द टीचर्स।